हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, सुबह के 6:30 बजे मैं उठा था। उठ के फिर 7:30 बजे में मैं सो गया, 9 बजे उठा और अभी सुबह सुबह आया हूँ मैं यहाँ पे पापा का शर्ट इस्त्री करवाने के लिए, प्रेस करवाने के लिए, क्योंकि आज नानी घर जाऊँगा ना। पता नहीं, मेरे जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, दर्द हो रहा है, तो जाऊँगा मामा से ठीक करवाऊँगा। हो गया और शर्ट प्रेस हो गया, जाते हैं घर, नहाएंगे धोऊंगा, उसके बाद कुछ करूंगा। तो गाइस, मैं घर आया, आके नहाया, उसके बाद घर आने के बाद अपने पूरे किट को लेकर गया छत में, धूप में सुखाने के लिए दिया, उसके बाद सुखा के ऊपर से जस्ट लेकर आया। अभी आया हूँ गाय को रोटी देने के लिए, क्योंकि और पूरा किट को सुखाने मैं सिर्फ आधे घंटे था छत में, 2:30 बजे गया था मैं, अभी निकला हूँ 3 बज रहे हैं। मैं सर चकरा गया यार, इतना धूप है, ये देखो मेरे का तबेला। यहाँ पे गाय है, यहाँ पे भैंस है, जो कि अभी है नहीं, अभी मैदान में गई है घास चरने के लिए। और देखो सब गर्मी से कैसे सोए हुए हैं, देखो सब कैसे सोए हुए हैं, इतना गर्म है ना बेचारे यार। हमारा क्या, हम तो एसी और फ़ैन में रह सकते हैं, पर इनको कहाँ से, इनको नहीं, इनको तो फ़ैन तक नसीब नहीं है, जो नेचुरल हवा है वही बस। कुछ किया करो यार, मेरे से जितना बन पाएगा मैं तो ज़रूर करूँगा, आप लोग भी कुछ किया करो इनके लिए। पता है कुछ कुछ गाय ऐसी होती है ना, जो नेचुरल हवा में भी उनको फ़ैन चाहिए होता है। मैं खुद अपने आँखों से देखा हूँ कि मैं एक तबेला में गया था तो वहाँ पे देखा 2 गाय हैं, तो मैं सुनता था कि ये गाय के लिए ना ये चाहिए, फ़ैन चाहिए। तो मैं असली का जाके देखा कि हाँ भाई, सिर्फ स्पेशली उस गाय के लिए फ़ैन लगा हुआ है। मैं बोला वाह भाई, देखो उनको ज़रूरत है इसलिए उनको दिया गया। मतलब मैं आते ही सो गया एकदम, मेरे को बहुत नींद आ रहा था। मैं 6:30 बजे यहाँ पे आया और मैं 8 बजे अभी सो कर उठा हूँ, 8 बज रहे। तो जा रहा हूँ फिलहाल कुछ खा लूँगा, उसके बाद फिर बुआ के घर जाऊँगा। मैं एक्चुअली जो काम से आया था वो काम अभी हुआ नहीं है, फिर तो मामा आए नहीं हैं, आएंगे तब वो काम होगा, नहीं तो फिर शायद नहीं होगा। आ जाने से क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द है, आपको तो पता ही है मैं किस काम के लिए आया हूँ। तो गाइस, सो के उठ गया मैं, खा पी लिया, उसके बाद जा रहा हूँ बुआ के घर। तो यही पहन वहन के आया था, कुर्ता पजामा पहन के आया था। हवा लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे, बाल बाल में कुछ सेट नहीं किया, फेस वॉश कुछ नहीं, मतलब फेस वॉश है ही नहीं, सिर्फ पानी से मुँह धोकर आ गया हूँ मैं। यहाँ पे कुछ रहता ही नहीं है ना मेरा, बेसिकली मैं आता नहीं हूँ, कभी कभार आ जाता हूँ, कभी कभार के लिए क्या ही यहाँ पे रख कर जाऊँगा मैं, इसलिए। देखो कहाँ आके बैठी हुई है, ये सेकंड फ्लोर है, ये वाला ये सेकंड फ्लोर है, ये कहाँ आके बैठी हुई है, इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, अगर गिर गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फंस गई है बेचारी, भाई साहब अंदर आ, अंदर आ, अंदर आ भाई साहब, लिटरली गाइस देखो, जा 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 अंदर आ जा, सेकंड फ्लोर है ये, कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं सब वहाँ पे, भाई साहब। तो गाइस देखिए, फिलहाल मैं जा रहा हूँ मार्केट, मेरे को सॉक्स लेना है अपना, मेरे सारे सॉक्स फट गए हैं और कल से कॉलेज जाना है, फिर प्रैक्टिस भी है, मेरे पास सॉक्स ही नहीं है, जा रहा हूँ सॉक्स लेने के लिए। रात के 10 बजे मैं जा रहा हूँ सॉक्स लेने, पता नहीं मिलेगा या नहीं। तो गाइस दमदम में तो सेल लगा हुआ है, देखो जीन्स पैंट मेरे 250 रुपये में, अभी और 11 दिन रहेगा ये सेल बस। ये देखो इस भीड़ में काश मुझे सॉक्स मिल जाए, क्या यार सॉक्स का दुकान नहीं है यहाँ पे। तो
आखिर मेरे को इतना दूर आना ही पड़ा। अब खोजो सॉक्स कहाँ मिल रहा, सब बंद हो रहा है। बस फाइनली मेरे को सॉक्स मिल गया। मैं 100 रुपये में 4 सॉक्स लेके आ गया, 25 रुपये करके एक पैर, 100 का 4।